महाराज, क्योंकि मूर्छित तो हो जाते थे महाराज दशरथ जी। और सुमंत जी राम जी को लेने के लिए जाते हैं। राम जी को जब लेकर जैसे लेने बाहर निकलते, सभी लोग पूछते क्या हुआ क्या हुआ। बोले बात तो बहुत कुछ बिगड़ी हुई लग रही है, मगर अभी क्लियर नहीं हुई भाई, आप लोग शांति बना करके रखें। राम जी के पास में, राम जी के महल में भगवान जाते हैं। वहां से राम जी को लेकर के जब आते हैं, राम जी ने आकर के देखा कि पिताजी मूर्छित हैं, अच्छे विलाप कर रहे हैं। तो जो है माता से पूछ लिया कि क्या बात है माता, क्या कारण है कि पिताजी को इतना दुख हो रहा है। तब कैकेयी ने सारा जो हाल बड़े उससे बता दिया, बिल्कुल जो जो बात हुई। देखो राम, तुमसे क्या छिपाना, मैंने दो वरदान मांगे हैं, एक में भरत को राजगद्दी और एक में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। अच्छा विचार करिए कि मंथरा ने तो वनवास ही कहा था, मगर जो है कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। भाई जो है मंथरा ने केवल ये कहा था कैकेयी से कि राम को वनवास मांगना और भरत को राजगद्दी मांगना, मगर ये 14 वर्ष का आंकड़ा कहां से आया, ध्यान रखना। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में बैठ करके सबको प्रेरित करने वाले परमात्मा ही होते हैं। परमात्मा ने विचार किया कि मुझे अगर, देखो सब कुछ रचना परमात्मा की है, मगर फिर भी संयोग वियोग, ये सारी स्थितियां परिस्थितियां जो है व्यक्ति के कर्मों से बांध करके और उसके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, है ना। तो भगवान जो है ने विचार किया कि 14 वर्ष का आंकड़ा क्या है, तो जानते हैं भगवान ने विचार किया कि मुझे तो देखो, मैं तो अभी बच्चा ही हूं और इसके बाद भी मैं जो है इस पूरी अयोध्या का राजकाज कैसे संभालूंगा। प्रेरणा भगवान समाज को देना चाहते हैं कि जो राजा बनना चाहे, जो राजा बनने की चाह रखता हो, जो नरेश बनना चाहता हो, जो उस जो है पद पर जाना चाहता हो, वो कोई विकार युक्त विकार ग्रस्त मनुष्य नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो कामी क्रोधी लोभी मोही अगर कोई राजा बन जाएगा तो वह समाज को देश को नरक बना देगा। हैं? तो राम जी क्या कहना चाहते हैं हमसे कि देखो भाई, राजगद्दी किसको मिलनी चाहिए, खुद को भी छोड़ दिया राजगद्दी क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूं। राम बताना चाहते हैं राजगद्दी का अधिकारी कौन है, जो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गया हो। 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा जानते हैं, क्योंकि हमारी 14 पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 होते हैं। ये विकारग्रस्त अगर होंगे तो ना समाज सुधर पाएगा, ना जो है देश सुधर पाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनके लिए 14 साल की तपस्या जो किया हो वही प्रधानमंत्री बने। तो शासक कैसा होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें शिक्षण दिया है 14 वर्ष वनवास मांग करके। वो जानते थे कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो, मगर 14 वर्ष तपस्या तो कर लूं, मैं उस राजगद्दी के काबिल तो हो जाऊं जिसमें कि किसी प्रकार किसी से भेदभाव ना रहे, छोटे का ना बड़े का, ना ऊंच का ना ईंच का, ना जात का ना पात का। इसलिए 14 वर्ष का आंकड़ा आया। एक एक वर्ष, एक एक इंद्रिय को परिष्कार के लिए एक एक वर्ष की तपस्या अपेक्षित है। कभी भी 14 वर्ष से पहले किसी भी व्यक्ति को साधना से सिद्धि नहीं मिली है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर आप साधक हैं, आप चाहते हैं कि हमें सिद्धियां मिले, हम भगवान के करीब चाहें, हमें भगवान के दर्शन हो, हमें भगवान का आभास हो, तो 14 वर्ष ही अपेक्षित हैं। 12, 13, 14 वर्ष, इससे पहले किसी को भगवान ने दर्शन नहीं दिया। कोई बिरला सुखदेव जी जैसा हो सकता है, मगर फिर भी 12 वर्ष सुखदेव जी ने भी मां के गर्भ में तपस्या की, सुखदेव जी महाराज जी है। तो व्यक्ति को अपने जीवन का परिष्कार करने के लिए, अपने अंदर देवत्व जगाने के लिए 14 वर्ष की तपस्या लगती ही लगती है। तब जाकर के मनुष्य क्या बनता है, देवता।
मनुष्य देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, है ना। जब सब देवता बनेंगे तभी ये धरती स्वर्ग बनेगी ना। तो 14 वर्ष का आंकड़ा जो इसके कैकेयी के मुंह से निकल गया कि 14 वर्ष राम वनवासी, उसका तात्विक भाव यही है कि 14 वर्ष तपस्या करने के बाद में राजगद्दी में बैठना चाहिए।